नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज हम बात करेंगे किस तरह से आप बिना इंटरनेट के, बिना किसी कनेक्टिविटी के आप पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, आरबीआई की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पायलट आधार पर ये अधिसूचना जारी कर दी गई है कि अब आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर इंटरनेट का कनेक्शन भी है, तब भी आप कार्ड के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट जो होगा वो आप 200 रुपये तक का कर सकते हैं, यानी कि 200 मैक्सिमम रुपये हैं। एक बार में अगर आपको करना है तो 200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, और कुल मिला के आप 2000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने 200 रुपये का पेमेंट किया, फिर आपने 3-4 दिनों बाद 200 रुपये का किया, तो ये मिला के 2000 रुपये तक का आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस चीज़ को इसीलिए सामने लाया गया है ताकि जो डिजिटाइजेशन की बात प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, उसको एक और नई दिशा दी जाए, उसको और भी ऊपर तक ले जाने के लिए एक और छोटी सी कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखना ये है कि ये कितनी कारगर साबित होती है। हालांकि उन क्षेत्रों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, या फिर जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। तो चलिए, इसके और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं। पेमेंट कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइसेज या किसी अन्य चैनल के माध्यम से किया जा सकता है। पेमेंट रिमोट या प्रॉक्सिमिटी मोड में किया जा सकता है। पेमेंट लेन देन किसी भी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना किया जा सकता है। पेमेंट की लिमिट 200 रुपये होगी। किसी भी समय किसी भी डिवाइस पर ऑफलाइन लेन देन की कुल सीमा 2000 रुपये होगी। AFA के साथ ऑनलाइन मोड में लिमिट की रीसेट करने की अनुमति भी दी जाएगी। लेन देन डिटेल प्राप्त होते ही PSO यूजर को रियल टाइम पर लेन देन अलर्ट भेजेंगे। संपर्क रहित भुगतान EMV मानकों का पालन करेगा। AFA के बिना ऑफलाइन मोड में भुगतान लेन देन यूजर्स की पसंद पर होगा। आपको बता दें कि ये योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी और इसके ज़रिए आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उन्हीं लोगों को होने वाला है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, और उन्हीं के लिए खास तौर पर ये योजना भी बनाई गई है। और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इसीलिए इस तरह का अधिसूचना जारी की गई है। तो चलिए, अगर आप भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आज से पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं थी या फिर कनेक्टिविटी बहुत वीक थी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है, कार्ड है, वॉलेट है, तो बस आपको पेमेंट करनी है, आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल ऐसी और भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं, आप बिज़नेस से जुड़ा हुआ क्या सवाल है आपका जो आप हमारे से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम समय समय पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी आते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।